दोस्तों जो आप देख रहे थे ये था आपका धनिया, केल और लेटस कुछ, और ये है आपका हाइड्रोपोनिक्स में। हाइड्रोपोनिक्स यानी बिना मिट्टी की खेती को लेकर है, और इसमें हमने किस टेक्निक को अडॉप्ट किया है, वैसे हाइड्रोपोनिक्स यानी जब बिना मिट्टी की खेती करते हैं तो जाहिर सी बात है जब पानी गिरने के कई तरीके होते हैं तो पानी में खेती करने के भी कई तरीके होंगे। तो हमने किया है एरोपोनिक्स में, एरो टावर होते हैं इसमें 10 फीट की हाइट तक जाते हैं, लेकिन हमने 8 फीट वाला लिया है, 8 फीट की हाइट तक हम ले रहे हैं। और इस पर हम पहले तो छोटी सी चीज़ बता दें कि ये है आपका ग्रीन हाउस के अंदर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है, पॉली हाउस, ग्रीन हाउस आप नाम सुनते रहते होंगे। तो ये जो आपका बता देते हैं, ये है हमारा ग्रीन हाउस, डबल लेयर में हमने इसका किया है, और इसमें कूलिंग सिस्टम का हमने फॉगर वगैरह का इस्तेमाल किया, फॉगर और कूलिंग पैड का। और इस समय हम हैं राजस्थान में, राजस्थान का नाम सुनते ही गर्मी का एहसास होता है, लेकिन जब आप बाहर जाओगे, ग्रीन हाउस के अंदर आ जाओगे तो फिर नहीं रहता है। और छोटा सा मैं आपको परिचय दिला दूं कि मैं हूँ राहुल द्रविड़ और आप इस समय हैं भारत फार्मिंग पर, और हमारे साथ जो है हमारे सर साहब हैं वो हैं पंकज शर्मा जी। नमस्ते। तो आज हम लोग जी सर थैंक यू सर। तो आज हम लोग जो हमने किया है, आपका जो पार्सले वगैरह लगाया हुआ है, इसकी कैलकुलेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि आपने क्या किया। पहले तो आपको छोटी सी चीज़ें बता देते हैं, टेक्निकलिटी के बारे में बता दें कि ये जो है एक्चुअल हमारी ग्राउंड रिपोर्ट है, हम पिछले कई महीनों से रन करा रहे हैं। मेरा तो अपना वर्कआउट कई सालों का है, लेकिन ये जो यहाँ पर रन कर रहा है, इसको कई महीने रन कराने के बाद, पूरी भीषण गर्मी देखने के बाद, फिर हम लोग का जो कैलकुलेशन रहा वो हमने किया। कोई ऐसा कागजी कार्रवाई नहीं करनी थी, आपका कहना था कि ये वीडियो हम तभी शूट करेंगे कि जब हम प्रॉपर एक फंक्शनिंग हो जाएगा, फंक्शन कर रहा होगा तब। तो पहले तो हमने इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की हैं वो आपको बता देते हैं, फिर हम साइज इसमें हमने आर ओ का इस्तेमाल किया। आर ओ, हालांकि यहाँ का पानी का TDS 170 है, TDS मतलब टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स। और फैन पैड का हमने इस्तेमाल किया है, जो इधर है फैन है हमारे, और इधर हमारे कूलिंग पैड का हमने लगाया है, बाकी फॉगर है हमारे पास, मोटर है, मतलब ये सब चीज़ें हम बता रहे हैं कि बिजली का कुछ बिल तो आता होगा, लेकिन बिजली का बिल हमारे पास नहीं आता है। उसकी वजह क्या है, बिजली का बिल नहीं आने की वजह क्या है कि सोलर पैनल हम लगा रखे हैं। जी, सोलर रन हाइड्रोपोनिक फॉर्म पे इस वक्त अपन बैठे हैं राहुल सर के साथ, और इनके गाइडेंस में ये फॉर्म इस्टेब्लिश हो पाया है। हाँ, ये तो आपने बोला कि यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो कहते हैं 47-48 डिग्री तक टेम्परेचर यहाँ पहुँच जाता है राजस्थान के इस एरिया में। वेस्टर्न राजस्थान से बिलोंग करते हैं, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट। जी, तो पहले तो हम आप बात कर लेते हैं कि हमने क्या क्या लगाया था, धनिया की कैलकुलेशन करेंगे। धनिया हमने इसमें हाफ पार्ट में लगाया था, और कुछ केल थी, केल एक एग्जॉटिक वेजिटेबल होती है जो होटल्स में यूज किया जाती है, लेटस भी उसी फैमिली का आता है। तो यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर टके सिर भाजी, टके सिर खाजा, सब कुछ एक ही जैसा था। केल भी लोग 70-80 रुपये में खरीद रहे हैं, 100 रुपये तक जा रहा था, लेटस भी वही भाव और धनिया भी वही उसी भाव। तो ये हुआ कि, और लेटस को यहाँ पर बेचने में हमको ये थोड़ा सा बात हो रही थी कि लोगों को बताना पड़ रहा था, धनिया को बताना नहीं पड़ता है, वो खुद ही खरीद ले जा रहे थे। मार्केट से हमारा मंडी से रेट भी अच्छा मिला है। एक्चुअली धनिया में ही प्रॉफिट नज़र आया इस एरिया में। लेट्यूस वगैरह हमारे यहाँ के लोकल पब्लिक कम बिलीव करती है लेट्यूस पे। हाँ, पालक, धनिया, ये सब बड़ा अच्छे से चल जाता है। जी जी, तो हमारे पास इस समय एक 104 टावर है, अगर टावर की बात करें तो 104 टावर हैं, और हमारे पास जो नेटवर्क जा रहे हैं 4500 जा रहे हैं, 5000 हमारे पास है। और एक हमारा जो एवरेज निकला है, एवरेज की हम बात करेंगे, हालांकि उसमें केल है, केल का भी हम अलग से कैलकुलेशन बता देंगे। तो ये हमारा गया है 200 ग्राम पर नेट पर वेट आ रहा है एवरेज। जी जी, और इस हिसाब से हमारा, हालांकि हमने लगाया आधे में ही था तो आया हमारा 500 का है, लेकिन अगर हम पूरे में लगाते तो हमारा 5000 1000 केजी जाता है, लेकिन हमारा लगभग 500 केजी के आसपास का है, जिसमें 20-30 केजी का तो जो डोनेशन वाला था, कोई आके ज़बरदस्ती ले गया, नहीं जी हम ले जाएंगे, या कोई रिलेटिव आ जाते हैं, कोई फ्रेंड आ जाते हैं, तो उसका कैलकुलेशन नहीं, 30-40 केजी के आसपास है, बाकी 450 केजी का पूरा कैलकुलेशन है। लेकिन हम आपको बता दें कि अगर आपके पास 5000 नेट पॉट हैं, पूरे में आपने लगाया है, तो आपको पर मंथ 1000 केजी धनिया मिलेगा। और यहाँ हमारे यहाँ जो रेट चल रहा है वो चल रहा है काफ़ी डाउन, 90 रुपये का, क्योंकि गर्मी में धनिया, बारिश के सीजन में धनिया बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है, लेकिन क्योंकि लॉकडाउन है, शादी ब्याह का सीजन है, फिर भी हम जो कैलकुलेट किए हमारा जा रहा है 90 रुपये एवरेज जा रहा है।
किसी दिन 110 बिक जाता है, किसी दिन 80 बिकता है, एक दिन ताजुब 90 रुपए एवरेज आ रहा है। एक दिन ताजुब हुआ था जब सोकर उठे और पता चला कि आज की मंडी का रेट 300 रुपए के जी था तो ये थोड़ा सा अफसोस हुआ कि काश अगर आज पूरा फार्म हाउस वहीं पहुंचा दिया होता तो काफ़ी कुछ निकल आता। खैर, तो 1000 केजी जो है 90 रुपए के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90,000 गया है। रनिंग कॉस्ट इसमें कोई खास हमारी इसलिए नहीं आई क्योंकि हमारे पास है सोलर पैनल नहीं, तो अगर सोलर पैनल नहीं है तो आपको कूलिंग पैड चलाना है, एग्जॉस्ट फैन चलाना है, फॉगर चलाने हैं, आरओ चलाना है और कुछ और भी मोटर्स रहती हैं। तो आपके इरीगेशन सिस्टम जो इसका रहता है उसके लिए मोटर लगती है। मोटा मोटा 8,000 से 9,000 रुपये का आपका खर्चा आना है। वो थोड़ा सा वेरी करता है कि आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस क्या है। मैक्सिमम आपके यहाँ बहुत ज़्यादा महंगी बिजली है, आप 10,000 भी मानकर चलिए चल जा सकता है। तो कोरिएंडर अगर आप पूरी लगाते हैं तो आपके जो इस एरिया में आपको 1000 केजी धनिया निकल आएगा। एरिया के बारे में बात कर लेते हैं, टोटल एरिया, क्योंकि ये ड्रामेटिकली था, हम लोग डिसाइड करते समय घर का काफ़ी दबाव था। हमारे पास एरिया है 1500 स्क्वायर फीट। अब आप बताइए किस तरीके से डिवाइड किया गया। एक्चुअल सर रूफ टॉप पे बना हुआ है तो स्पेस अपना जितना था, ये 400 वर्ग गज का प्लॉट एरिया है जिसमें अपने पास रूफ का लगभग 2000 स्क्वायर फीट अपने पास स्पेस था। 500 स्क्वायर फीट मैंने अपने बाहर ऑफिस के लिए रखा है। इधर 1000 स्क्वायर फीट में अभी ये टावर्स लगाए हुए हैं जिसमें से 500 स्क्वायर फीट और एक्स्ट्रा मैंने अपने यहाँ बैठने के लिए, चाय पानी पीने के लिए। राहुल सर, आप जैसे गर्मी लगती है तो आप कहते हो यार मैं तो ग्रीन हाउस ही सकता हूँ, तो ग्रीन हाउस ये बैठने के लिए अपने पास स्पेस है काफ़ी सारा। तो ये 500 स्क्वायर फीट में तो अभी कुछ भी नहीं किया है। फ्यूचर प्लानिंग है कि एरो टावर्स के साथ ही जाया जाए, उधर भी हाइड्रोपोनिक्स की टेक्निक आई थिंक बेस्ट है। एक्वाफोनिक्स के बाद जैसा कि आप बता रहे, थोड़ा सा विवाद चल रहा है घर में, कहा जा रहा है कि मछली नहीं पालेंगे। नहीं, इसलिए एक्वाफोनिक्स नहीं हो पा रहा है, हम हाइड्रोपोनिक कर रहे हैं। विवाद एक और है यहाँ पर, आपसी विवाद घर का, वो कह रहे हैं 500 स्क्वायर फीट है ये हमारा चाय पीने के लिए रहेगा, बाकी अभी सहमति बन रही धीरे धीरे कि यहाँ पर भी हम एरो टावर्स लगा दें। खैर, आपको अगली अपडेट में ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो एक चीज़ ये थी कि अगर हम 1000 स्क्वायर फीट का लगाते हैं ऐसा प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन शहर में और 90 रुपये केजी भी आपका धनिया का मिल जाता है तो आप आराम से 90,000 आपका। जिसमें सर वो बता देते हैं एक बार थोड़ा कि नर्सरी 15 दिन की प्रिपेयर होती है, फिर 30 डेज का जो आपका साइकिल है, नेट पोट है, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। जैसे ये पार्सल है तो ये एक नेट पोट है, अभी ये पार्सले लगा हुआ है, पार्सले का वेट इतना नहीं पहुंचता तो भी ये 100 ग्राम के अप्रोक्स होगा। हाँ, ये 100 ग्राम रहता है लेकिन इसका रेट जो है 320 रुपीस है, वो तो काफ़ी महंगा है और इसको भी हटाना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत ही लिमिटेड हमारे पास यहाँ पर कस्टमर्स हैं। धनिया के धनिया तो लॉकडाउन की वजह से सर, दिल्ली नज़दीक पड़ता है बट लॉकडाउन की वजह से वो जो वहाँ सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं। 15 दिन की इसमें नर्सरी रहती है, 15 दिन बाद हम इसको इसमें शिफ्ट करते हैं। बाकी इसमें और भी चीज़ें, अगर हम लेटस की बात करें तो हमने इसमें रोमेन लेटस लगाया था, काफ़ी अच्छा वेट बैठा है। रोमेन का भी अप्रोक्स 400 ग्राम तक एक नेट पॉट में मिला है, एवरेज जोन 400 ग्राम रोमेन लेटस हमें मिला है पर मंथ। लेकिन हमने लगाया रोमेन और डिमांड हो गई आइसबर्ग की। होता पहली बार में समझ नहीं आता है, अब घर एक्चुअली आइसबर्ग के लिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था तो अभी सर्दियों में प्लानिंग है कि सर आइस पर वापस और थोड़ा सा एक और प्रॉब्लम थी कि हमारे पास मतलब ज़्यादा गर्मी भी थी और जो टॉप सेट नेट नहीं डाला था, हम जो कर्टन ऊपर लगते हैं ग्रीन हाउस के नीचे, कर्टन नहीं थे लॉकडाउन में, आज हमारे पास पहुंचा है तो हम उसको शिफ्ट कर देंगे। हालांकि बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ये भी जो आपकी है पार्सले, ये भी काफ़ी लो टेम्परेचर पर ग्रो करती है लेकिन आप देख रहे हैं भीषण गर्मी है, आग बरसती है राजस्थान में मैं तो नहीं बाहर जाने वाला है। तो मोटी मोटी कैलकुलेशन अगर आपको बता दें कि हमने क्या क्या चीज़ें आज कवर की, कि हमारे पास जो ग्रीन हाउस रहता है उसमें कौन कौन से मोटे मोटे हमारे सिस्टम होते हैं। एक तो आरओ लगता है जो पानी को फिल्टर करता है, फैन लगता है जो अंदर की गर्म हवा को बाहर फेंकता है, दूसरा हम यूज करते हैं कूलिंग पैड का, जो कूलिंग पैड मतलब कि वो अंदर नम सर्द हवा अंदर लेकर आता है, बाकी गर्म हवा को ठंडा करता है। फॉगर जो होता है टाइम टू टाइम चालू हो जाते हैं जिससे कि अंदर का जो क्लाइमेट है वो काफ़ी ठंडा हो जाता है और ह्यूमिडिटी भी मेंटेन हो जाती है। राजस्थान की जो ह्यूमिडिटी है वो बहुत ही कम हो जाती है, कई बार हमने देखा है हाइग्रोमीटर पर कि वो 5% दिखा रहा होता है, अभी आप समझ सकते हैं 5% में क्या होने वाला है। और इसके अलावा इरीगेशन के लिए हम मोटर वगैरह लगाते हैं, सो इन सब का इलेक्ट्रिसिटी का अपना जो छोटा जो भी बिल आता है वो। अब नेटपॉट है हमारे पास 5000 के हिसाब से जब हम कोरिएंडर ग्रो करते हैं
तो वो 200 ग्राम पर नेट पॉट, तो 5000 को जब 200 ग्राम से करते हैं तो आता है 1000 केजी। रेट हमें मिला है 90 रुपीज़ का, तो हमारा 90,000 गया है, जिसमें लेबर कॉस्ट तो हमारी खैर घर के मेंबर्स नहीं किया है, लेकिन अगर हम करें तो मोटा मोटा 10,000 के आसपास लेबर चली जाएगी। चलिए, और इतना ही मोटा मोटा मान लीजिए कि ये मैक्सिमम हम लेकर चल रहे हैं कि 10,000 आपका जो मैक्सिमम जाने वाला है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल जाने वाला है, तो 20,000 आप इससे रिड्यूस कर दीजिए, तो आपके पास बचते हैं 90,000 माइनस 20,000 70,000 जो हम यहाँ पर लगा हैं। अब हम इसका एक्सपेंशन हैंडसम अमाउंट होती है सर। हाँ, हम क्योंकि हमारा वो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमने 2-2 रुपये जोड़े हैं, लेकिन जो हमारे एवरेज कैलकुलेशन आई है उसके हिसाब से अब हम इसका एक्सपेंशन भी करने जा रहे हैं। खैर, अगर हम इसकी जगह केल लगाते तो केल का रेट हमारा लगभग वेट की बात करते हैं, रेट तो यहाँ वही धनिया के भाव ही केल भी बिक रही है। केल के बारे में सर आप बताइए कि घर में कैसे कन्वेंस किया गया था। नहीं, एक्चुअली केल के लिए कन्वेंस तो सर जब पिछली बार मेरे पास NFT चैनल था उसमें मैंने लगाए थे केल। अभी जो अपन ने केल लगा रखी है ये करली केल है, इससे पहले वो डायनासोर केल जो फ्लैट केल आती है वो लगाई थी, तस्मानियन केल कहते हैं उसको। जी जी, तो उसके काफ़ी शानदार फ्लेवर आता है उसका। और केल के बारे में कहूँ तो क्या कहना सर, गूगल की पहली लाइन डालते ही उसमें ये लिखा आता है काले इज द किंग ऑफ द ऑल लीफी वेजिटेबल्स। यही कह के घर वालों को भी कन्विंस किया था कि पापा ये बहुत अच्छा है खाने में, इतना टेस्ट होता है, ये है वो है। ये सर केल का छोटा सा बहुत ही ऐसा क्या मैं बैठता रहता हूँ तो नोच नोच के खाता रहता हूँ। काफ़ी अच्छा टेस्ट होता है। देखो बेबी सरसों, हाँ उससे थोड़ा सा, लेकिन पंजेंट कम है, पंजेंट कम। और ये जो हमारा गया है ये गया है 250 ग्राम पर नेट पॉट गया है, पर नेट पॉट रेट वही हमारा 80 से 100 रुपये के बीच में ही चला है, एवरेज आप 90 लेके चल सकते हैं। अगर हम ये लगाते लेकिन इसकी हमें उतनी हमारा कंजम्पशन नहीं है, लेकिन अगर हम दिल्ली NCR में या फिर हम मुंबई में या अगर कहीं हम बेंगलोर होते जहाँ पर हमें डिमांड आई है, जहाँ हम इंस्टॉल करने जाएंगे तो कहेंगे सर आप भी आइए, तो वहाँ पर अगर हम लगा रहे हैं तो ये हमारी जो जाएगा 1,25,000 हमारा खेल के हिसाब से जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, और बाकी हमारा जो सोलर पैनल के हिसाब से जो पूरी कॉस्टिंग गई है इस पूरे सेटअप की वो गई है 30 लाख अबाउट उतना चला गया है। तो ये हम एक साल में निकाल लेंगे, क्योंकि अगर लॉकडाउन नहीं होता तो हमारा टारगेट कैलकुलेशन ये थे कि सेकेंड वेव के बाद जैसे ही मार्केट नॉर्मलाइज होगा तो हम 4-5 महीने में निकाल लेंगे, लेकिन अभी हमारा अंडर 1 ईयर बहुत अच्छा है, ROI के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। एक साल में अगर आपका पूरा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट निकल आता है। दूसरी बात है कि जो हमने सीट यूज की है वो खतरनाक यूज की है, डबल लेयर है, पॉलीकार्बोनेट सीट्स का यूज़ किया है, खास तरह की जो ग्रीन हाउस के लिए डिज़ाइन की जाती है वो, इसकी लाइफ भी 25 साल है। 25 साल लाइफ है, 25 साल सोलर की है, 25 साल इन सीट्स की है। और सर आयरन का तो कहना क्या, इनसाइड रखा हुआ है तो चल जाए लाइफ लॉन्ग, अदरवाइज ये बाहर होता शायद सीट के बाहर होता तो, या अपने पास अपने वो जो ये पॉलीथीन यूज करते या और भी कोई नेट यूज करते तो आई थिंक ज़्यादा, हाँ तो ज़्यादा नहीं चलता तो नहीं चलता, लेकिन ऐसा कुछ सेफ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये मोटी मोटी चीज़ें थी कि अगर आपको आपकी छत है कोई ऐसी और ऐसा कुछ आप करना चाहते हैं तो आपके सामने एग्जांपल है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, ईमेल आईडी वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक और चीज़ कि अगर आप फ्रूटिंग प्लांट्स में जाना चाहते हैं और आपके पास टेरेस है तो उसकी कॉस्टिंग कम आती है, तब आपको इतनी कॉस्टिंग नहीं जाती है, क्योंकि उसकी डेंसिटी भी कम रहती है। यहाँ क्या है कि हम वर्टिकल में चले गए, छोटे छोटे प्लांट है, आपने देखा ना कि छोटा सा प्लांट है, अगर आप टोमेटो लगाते हैं तो 12-15 फीट की हाइट रहती है, तो आप ये अपने कर रखा सर। एक छोटा सा लाइव एग्जाम्पल आपके सामने है, ये हमने ये है आपकी बॉटल गार्ड, बॉटल बहुत ही हेल्दी है, अब आप समझ सकते हैं कि इसका स्टेम देख लेंगे कि कितना मोटा है। जी ये देखिए, ये इसका स्टेम है, बहुत हेल्दी प्लांट है ये, हमने कुछ नहीं ऐसे सर की भाषा में बोलें तो ये एक्चुअली अभी नर्सरी है। हाँ, अभी इसको अभी शिफ्ट करना बाकी है, हम इसको डच बकेट में रखेंगे, लेकिन फिर भी आप देखिए कितना हेल्दी प्लांट है, विदाउट किसी उसके सहारे के प्लांट जी स्ट्रेट खड़ा है पूरा, अपने सर किसी बिना किसी सहारे के ये खड़ा हुआ है, सोच सकते हैं कितना, और अभी 21 दिनों का हो चुका है, काफ़ी मुबारक नंबर भी होता है। तो आपको ऐसा कुछ है, आप वीडियो कॉल हमसे करना चाहते हैं, आप जुड़ना चाहते हैं, कोई कोर्स लेना चाहते हैं जो हमारा हाइड्रोपोनिक का रहता है, तो पंकज सर फिर बिजी रहते हैं, लेकिन हमारा हमने भी अपना एक मेंबर यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया है,
और वो आपको सारी चीज़ें कराता रहेगा। और अगर आप राजस्थान से हैं तब तो आपको और खुशी होनी चाहिए कि कुछ खास है यहाँ पर, या आपके यहाँ गर्मी ज़्यादा होती है आप कहीं पर, उड़ीसा के बहुत सारे रीज़न हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो आप वहाँ से कहीं से भी नहीं है। वो लोगों का जो मिथ है कि ये खाली क्लाइमेट कंट्रोल वाला करके अपन एक्चुअली कर सकते हैं राजस्थान में, राजस्थान में भी क्या जहाँ भी क्लाइमेट कंट्रोल करना पॉसिबल है उस एरिया में अपन बहुत ईजिली हाइड्रोपोनिक्स कर सकते हैं। लाइव एग्जांपल है 47-48 आप सर्च कर सकते हैं, इतना टेम्परेचर अमूमन राजस्थान में पहुंच जाता है उस लोकेशन पे अपना, ये है गूगल मैप पे डाल रखा है किसी का तो देख सकते हैं। तो इसके बाद हम अपडेट लाते रहेंगे, एक बॉटल गार्ड का भी अपडेट लाएंगे। बिल्कुल सर, जी बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहे भारत फार्मिंग पर, बोल सकते।